हेलो फ्रेंड, स्वागत है एक बार फिर आपका हमारे चैनल एहसास स्टार्टअप्स में। और आज की इस वीडियो में हम बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री की पहली सबसे खूबसूरत तरीन एक्ट्रेस मधुबाला की एज एन एक्ट्रेस रिलीज सभी मूवीज की बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट आप व्यूअर के साथ शेयर करेंगे। व्यूअर, एज एन एक्ट्रेस मधुबाला ने कितनी मूवीज में काम किया, उनकी कितनी मूवीज हिट, कितनी फ्लॉप और कितनी ब्लॉकबस्टर रही है, और साथ ही साथ मधुबाला के कम्प्लीट करियर का सक्सेस रेशियो क्या है, आज की इस वीडियो में कम्प्लीट जानकारी हम आप व्यूअर्स को प्रोवाइड करेंगे। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारी आज की वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, और साथ ही साथ एहसास स्टार्टअप्स को सब्सक्राइब करना भी ना भूलिएगा। तो चलें व्यूअर्स, वीडियो का आगाज करते हैं इस इंट्रो के बाद। तो यार, इंडियन सिनेमा की सुपरस्टार एक्ट्रेस मधुबाला न सिर्फ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री की सबसे पहली खूबसूरत तरीन एक्ट्रेस रही थी, बल्कि आजादी से पहले इंडियन सिनेमा की सबसे हाई पेड एक्ट्रेस भी रही है। एज एन एक्ट्रेस मधुबाला की पहली मूवी का नाम है बसंत। फिल्म की लीड कास्ट में मधुबाला, प्रमिला और मुमताज शांति शामिल थे। यह फिल्म 1942 को रिलीज हुई और एक ब्लॉकबस्टर मूवी साबित हुई। किशोर बानो, मधुबाला और चंद्रमोहन स्टारर मूवी मुमताज महल। यह फिल्म 1944 को रिलीज हुई और एक हिट फिल्म साबित हुई। कमला चटर्जी, कमाल जमींदार और मधुबाला स्टारर मूवी धना भगत। यह फिल्म 1945 को रिलीज हुई, बॉक्स ऑफिस पर इसे एक फ्लॉप फिल्म करार दिया गया। मधुबाला, खुर्शीद बेगम और रामायण तिवारी स्टारर मूवी फुलवारी। यह फिल्म 1946 को रिलीज हुई, बॉक्स ऑफिस पर इसे एक हिट फिल्म करार दिया गया। मधुबाला, पैदी, जयराज और वीना स्टारर मूवी राजपूतानी। यह फिल्म 1946 को रिलीज हुई और बॉक्स ऑफिस पर इसे एक फ्लॉप फिल्म करार दिया गया। राज कपूर, मधुबाला और बेगम पारा स्टारर मूवी नीलकमल। यह फिल्म 24 मार्च 1947 को रिलीज हुई और बॉक्स ऑफिस पर इसे एक सीमा हिट फिल्म करार दिया गया। राज कपूर, मधुबाला और मोनिका डिसाई स्टारर मूवी चितोर विजय। यह फिल्म 1947 को रिलीज हुई और एक फ्लॉप फिल्म साबित हुई। मधुबाला और वास्ती स्टारर मूवी खूबसूरत दुनिया। यह फिल्म 1947 को रिलीज हुई और एक फ्लॉप फिल्म साबित हुई। मधुबाला, राज कपूर और श्याम सुंदर स्टारर मूवी दिल की रानी। यह फिल्म 7 अगस्त 1947 को रिलीज हुई और एक फ्लॉप फिल्म साबित हुई। मधुबाला, सुरैया चौधरी और प्रकाश स्टारर मूवी देश सेवा। यह फिल्म 1948 को रिलीज हुई और एक फ्लॉप फिल्म साबित हुई। राज कपूर, मधुबाला और अलका रानी स्टारर मूवी अमर प्रेम। यह फिल्म 1948 को रिलीज हुई और एक बिलो एवरेज मूवी साबित हुई। मधुबाला, मुनव्वर सुल्ताना और उल्हास स्टारर मूवी पराई आग। यह फिल्म 1948 को रिलीज हुई और एक एवरेज मूवी साबित हुई। मधुबाला, सबरू और उल्हास स्टारर मूवी लाल दुपट्टा। यह फिल्म भी 1948 को रिलीज हुई और एक हिट फिल्म साबित हुई। मधुबाला, याकूब, अल्ताफ और आगा स्टारर मूवी सिपाहिया। यह फिल्म 1949 को रिलीज हुई और एक बिलो एवरेज मूवी साबित हुई। मधुबाला, राम सिंह और प्राण स्टारर मूवी अपराधी। यह फिल्म 25 फरवरी 1949 को रिलीज हुई और एक फ्लॉप फिल्म साबित हुई। जानकी दास और मधुबाला स्टारर मूवी दौलत। यह फिल्म 1949 को रिलीज हुई और एक फ्लॉप फिल्म साबित हुई। मधुबाला, गीता बाली और केदार शर्मा स्टारर मूवी नेकी और बदी। यह फिल्म भी 1949 को रिलीज हुई और एक फ्लॉप फिल्म साबित हुई। सोरेंद्र, मधुबाला और सज्जन स्टारर मूवी इम्तिहान। यह फिल्म भी 1949 को रिलीज हुई और बॉक्स ऑफिस पर इसे एक हिट फिल्म करार दिया गया। मधुबाला, रहमान और कामनी कौशल स्टारर मूवी पारस। यह फिल्म भी 1949 को रिलीज हुई और बॉक्स ऑफिस पर इसे एक सीमा हिट फिल्म करार दिया गया। अशोक कुमार, मधुबाला और विजया लक्ष्मी स्टारर मूवी महल। यह फिल्म 1949 को रिलीज हुई और बॉक्स ऑफिस पर इसे एक हिट फिल्म करार दिया गया। मधुबाला, सुरेश, जयान और श्याम कुमार स्टारर मूवी दुलारी। यह फिल्म 1949 को रिलीज हुई और बॉक्स ऑफिस पर इसे एक हिट फिल्म करार दिया गया। सुरैया, पी जयराज, मधुबाला और केन सिंह स्टारर मूवी सिंगार। यह फिल्म 1949 को रिलीज हुई और एक सीमा हिट फिल्म साबित हुई। अशोक कुमार, मधुबाला, श्यामा और गीता बाली स्टारर मूवी निशाना। यह फिल्म 1950 को रिलीज हुई और एक हिट फिल्म साबित हुई। देवानंद, मधुबाला और याकूब स्टारर मूवी निराला। यह फिल्म 1950 को रिलीज हुई और एक फ्लॉप फिल्म साबित हुई। मधुबाला, मोतीलाल, गोपी और मनोरमा स्टारर मूवी हंसते आंसू। यह फिल्म 1950 को रिलीज हुई और एक एवरेज मूवी साबित हुई। मधुबाला, याकूब, अजीत और गोपी स्टारर मूवी बेकसूर। यह फिल्म 1950 को रिलीज हुई और बॉक्स ऑफिस पर इसे एक हिट फिल्म करार दिया गया। देवानंद, मधुबाला और जीवन स्टारर मूवी मधुबाला। यह फिल्म 1950 को रिलीज हुई और एक फ्लॉप फिल्म साबित हुई। मधुबाला, रहमान और करण दीवान स्टारर मूवी परदेश। यह फिल्म 1950 को रिलीज हुई और एक हिट फिल्म साबित हुई।
दिलीप कुमार, मधुबाला, श्यामा और जीवन स्टारर मूवी तराना। ये एज एन एक्टर दिलीप कुमार और मधुबाला की एक साथ रिलीज होने वाली पहली फिल्म थी। दिलीप कुमार और मधुबाला की जोड़ी दर्शकों ने काफी पसंद की थी और इन दोनों एक्टर्स का अफेयर भी 50 के दशक में रहा था। तराना मूवी की बात करें तो ये 15 अगस्त 1951 को रिलीज हुई थी और बॉक्स ऑफिस पर इसे एक सुपर हिट फिल्म करार दिया गया था। अजीत, मधुबाला, सज्जन और ज्ञान स्टारर मूवी सैया। ये फिल्म 1951 को रिलीज हुई और बॉक्स ऑफिस पर इसे एक हिट फिल्म करार दिया गया। मधुबाला, नासिर खान और ओम प्रकाश स्टारर मूवी नाज़नीन। ये फिल्म 1951 को रिलीज हुई और एक हिट फिल्म साबित हुई। देवानंद, मधुबाला और सोनालिनी देवी स्टारर मूवी नादान। ये फिल्म 1951 को रिलीज हुई और एक बिलो एवरेज मूवी साबित हुई। नासिर खान, मधुबाला और ओम प्रकाश स्टारर मूवी खजाना। ये फिल्म 1951 को रिलीज हुई और एक हिट फिल्म साबित हुई। रणधीर, मधुबाला, प्रेमनाथ और पूर्णिमा स्टारर मूवी बादल। ये फिल्म 1951 को रिलीज हुई और एक सीमी हिट फिल्म साबित हुई। देवानंद, मधुबाला और प्रेमनाथ स्टारर मूवी आराम। ये फिल्म 1951 को रिलीज हुई और एक फ्लॉप फिल्म साबित हुई। प्रेमनाथ, मधुबाला, गोपी स्टारर मूवी साकी। ये फिल्म 1952 को रिलीज हुई और एक सीमी हिट फिल्म साबित हुई। दिलीप कुमार, मधुबाला, शमी और रतिमा देवी स्टारर मूवी संगदिल। ये फिल्म 28 नवंबर 1952 को रिलीज हुई और एक अबव एवरेज मूवी साबित हुई। शमी कपूर, मधुबाला, ज्ञान और सज्जन स्टारर मूवी रेल का डिब्बा। ये फिल्म 1953 को रिलीज हुई और एक फ्लॉप फिल्म साबित हुई। देवानंद, मधुबाला, शकीला और के एन सिंह स्टारर मूवी अरमान। ये फिल्म 1953 को रिलीज हुई और एक एवरेज मूवी साबित हुई। मधुबाला, रतन कुमार और ललिता पवार स्टारर मूवी बहुत दिन हुए। ये फिल्म 1954 को रिलीज हुई और एक फ्लॉप फिल्म साबित हुई। दिलीप कुमार, मधुबाला, निमी और ज्ञान स्टारर मूवी अमर। ये फिल्म 1 अक्टूबर 1954 को रिलीज हुई और एक एवरेज मूवी साबित हुई। मधुबाला, पी जे आर आर, चंद्रशेखर और अजीत स्टारर मूवी तीरंदाज। ये फिल्म 1955 को रिलीज हुई और एक फ्लॉप फिल्म साबित हुई। शमी कपूर, मधुबाला, अजीत और हीरा लाल स्टारर मूवी नकाब। ये फिल्म 1955 को रिलीज हुई और एक एवरेज मूवी साबित हुई। मधुबाला, अभि भट्टाचार्य, चंचल और गोपी स्टारर मूवी नाता। ये फिल्म 1955 को रिलीज हुई और ये भी एक फ्लॉप फिल्म साबित हुई। गुरुदत्त, मधुबाला, ललिता पवार और जॉनी वॉकर स्टारर मूवी मिस्टर एंड मिसेस 55। ये फिल्म 1955 को रिलीज हुई और एक हिट फिल्म साबित हुई। मधुबाला, प्रदीप कुमार, टुनटुन और उल्हास स्टारर मूवी राजहाथ। ये फिल्म 6 जनवरी 1956 को रिलीज हुई और एक हिट फिल्म साबित हुई। मधुबाला, प्रदीप कुमार, पी कैलाश और अमिता स्टारर मूवी शीरी फरहाद। ये फिल्म 1956 को रिलीज हुई और एक सुपर हिट फिल्म साबित हुई। किशोर कुमार, मधुबाला, ओम प्रकाश और जगदीप स्टारर मूवी धक्के की मालमाल। ये फिल्म 1956 को रिलीज हुई और एक हिट फिल्म साबित हुई। मधुबाला, प्रदीप कुमार और कृष्णा कुमारी स्टारर मूवी यहूदी की लड़की। यह फिल्म 1957 को रिलीज हुई और एक हिट फिल्म साबित हुई। भारत भूषण, प्रदीप कुमार, मधुबाला और जॉनी वॉकर स्टारर मूवी गेट वे ऑफ इंडिया। यह फिल्म 1957 को रिलीज हुई और एक एवरेज मूवी साबित हुई। अशोक कुमार, मधुबाला और जॉनी वॉकर स्टारर मूवी एक साल। यह फिल्म 1957 को रिलीज हुई और एक सीमी हिट फिल्म साबित हुई। मधुबाला, रंजन, निशी और ओम प्रकाश स्टारर मूवी बागी सिपाही। ये फिल्म 1958 को रिलीज हुई और एक फ्लॉप फिल्म साबित हुई। प्रदीप कुमार, मधुबाला, नादिरा और ओम प्रकाश स्टारर मूवी पुलिस। ये फिल्म 1958 को रिलीज हुई और एक फ्लॉप फिल्म साबित हुई। भारत भूषण, मधुबाला, जीवन स्टारर मूवी भागुन। ये फिल्म 1958 को रिलीज हुई और एक हिट फिल्म साबित हुई। देवानंद, मधुबाला और नालिनी जयवंत स्टारर मूवी काला पानी। ये फिल्म 1958 को रिलीज हुई और एक सेमी हिट फिल्म साबित हुई। अशोक कुमार, मधुबाला, के एन सिंह, मदन पुरी और ओम प्रकाश स्टारर मूवी हावड़ा ब्रिज। ये फिल्म 1958 को रिलीज हुई और एक अबव एवरेज मूवी साबित हुई। किशोर कुमार, मधुबाला और अशोक कुमार स्टारर मूवी चलती का नाम गाड़ी। ये फिल्म 1958 को रिलीज हुई और एक सुपर हिट फिल्म साबित हुई। भारत भूषण, मधुबाला और ज्ञान स्टारर मूवी कल हमारा है। ये फिल्म 1959 को रिलीज हुई और एक फ्लॉप फिल्म साबित हुई। सुनील दत्त, मधुबाला और नासिर हुसैन स्टारर मूवी इंसान जाग उठा। ये फिल्म 1959 को रिलीज हुई और एक बिलो एवरेज मूवी साबित हुई। राज कपूर, मधुबाला और सलोचना लटकर स्टारर मूवी दोस्ताद। ये फिल्म 1959 को रिलीज हुई और एक एवरेज मूवी साबित हुई। किशोर कुमार, मधुबाला, प्रदीप कुमार और चंचल स्टारर मूवी महलों के ख्वाब। ये फिल्म 1960 को रिलीज हुई और एक फ्लॉप फिल्म साबित हुई। के आसिफ की डायरेक्शन में बनने वाली आइकॉनिक मूवी मुगले आजम। फिल्म की लीड कास्ट में दिलीप कुमार, मधुबाला, पृथ्वी, राज कपूर और दुर्गा खोडे शामिल थे। ये फिल्म 5 अगस्त 1960 को रिलीज हुई थी। 1 करोड़ 50 लाख के बजट में बनी इस फिल्म ने इंडियन बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्ड ब्रेकिंग 5 करोड़ 50 लाख के कलेक्शन किए थे अपने टाइम पर। और फिल्म के वर्ल्ड वाइड कलेक्शन हुए थे 11 करोड़ और बॉक्स ऑफिस पर मुगले आजम एक ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर मूवी साबित हुई थी।
देवानंद मधुबाला, ओम प्रकाश और मदन पुरी स्टारर मूवी जाली नोट। यह फिल्म 1960 को रिलीज हुई और बॉक्स ऑफिस पर इसे एक फ्लॉप फिल्म करार दिया गया। भारत भूषण मधुबाला, श्यामा और मुमताज बेगम स्टारर मूवी बरसात की रात। यह फिल्म 1960 को रिलीज हुई और एक सुपर हिट फिल्म साबित हुई। किशोर कुमार, मधुबाला, ललिता पवार और जान स्टारर मूवी झुमरू। यह फिल्म 1961 को रिलीज हुई और एक सीमी हिट फिल्म साबित हुई। शमी कपूर, मधुबाला, धर्मेंद्र और निशी कोहली स्टारर मूवी बॉयफ्रेंड। यह फिल्म 1961 को रिलीज हुई और एक बिलो एवरेज मूवी साबित हुई। प्रदीप कुमार, मधुबाला, के एन सिंह और नासिर हुसैन स्टारर मूवी पासपोर्ट। यह फिल्म 1961 को रिलीज हुई और एक फ्लॉप फिल्म साबित हुई। किशोर कुमार, मधुबाला, प्राण और टुनटुन स्टारर मूवी हाफ टिकट। यह फिल्म 1962 को रिलीज हुई और एक अबव एवरेज मूवी साबित हुई। देवानंद मधुबाला, बद्री प्रसाद स्टारर मूवी शराबी। यह फिल्म 1964 को रिलीज हुई और एक फ्लॉप फिल्म साबित हुई। सुनील दत्त, मधुबाला, प्राण और डेजी ईरानी स्टारर मूवी जलवा। यह फिल्म 1971 को रिलीज हुई और एक फ्लॉप फिल्म साबित हुई। और यह फिल्म मधुबाला की डेथ के बाद रिलीज हुई थी और यही एज एन एक्ट्रेस मधुबाला की करियर की आखिरी फिल्म भी साबित हुई थी। वीवर मधुबाला का जन्म हुआ था 14 फरवरी 1933 को दिल्ली में और उनकी डेथ हार्ट अटैक के कारण 23 फरवरी 1969 को हुई और समय उनकी एज सिर्फ 36 साल थी। 1942 से लेकर 1964 तक बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री में एज एन एक्ट्रेस एक्टिव रही थी और 1960 में सुपरस्टार एक्टर किशोर कुमार के साथ उनकी शादी हुई थी। और वीवर बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री में मधुबाला जी की जोड़ी राज कपूर सर और दिलीप कुमार सर के साथ काफी पसंद की गई थी। देवानंद सर के साथ भी उन्होंने काफी सारी मूवीज में काम किया था, लेकिन उनका अफेयर दिलीप कुमार सर के साथ काफी सीरियस रहा था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इनकी शादी ना हो सकी और 1960 में किशोर कुमार के साथ मधुबाला ने शादी की थी। और जैसे कि मैंने आपसे कहा कि 23 फरवरी 1969 को सिर्फ 36 साल की एज में हार्ट अटैक के कारण इनकी डेथ हो गई। एज एन एक्ट्रेस मधुबाला जी इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में 70 मूवीज का हिस्सा रही हैं, जिनमें से उनकी एक मूवी ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर, एक ब्लॉकबस्टर, 4 मूवी सुपर हिट, 17 मूवीज हिट, 8 सीमी हिट, 3 मूवीज अबव एवरेज, 7 मूवीज एवरेज, 5 मूवीज बिलो एवरेज और उनके करियर में 24 मूवीज फ्लॉप रही हैं। तो इस हिसाब से एज एन एक्ट्रेस इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में मधुबाला का सक्सेस रेशो बनता है 65.71%। तो फ्रेंड, ये था हमारा आज का वीडियो। उम्मीद करता हूँ हमारी आज की कोशिश आप व्यूअर्स को पसंद आई होगी। अगर हमारी आज का वीडियो आपको पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दें और साथ ही साथ आपने हमारे चैनल में साइंस स्टार्टर्स को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें और साथ ही मौजूद बेल आइकॉन को भी जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलती रहे। हमारा आज का वीडियो देखने का आप सभी व्यूअर्स का बहुत बहुत शुक्रिया।